हेलो, नमस्कार दोस्तों। 12 अप्रैल 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं, तो चलिए हमारी डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। आज एक्चुअली दो आर्टिकल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी अच्छे उन आर्टिकल्स में पॉइंट्स हैं, इसके अलावा एक दो आर्टिकल और भी अच्छे हैं, तो उनको हम यहाँ पे डिस्कस है वो करें। सबसे पहला जो आर्टिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एनिमल पर अटैक को लेकर आर्टिकल। क्या है आर्टिकल का कंटेक्स्ट? कंटेक्स्ट वो है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी ऑफ एनिमल एक्ट 1960 के बारे में। देखो आपको बता दूं थोड़ा, लास्ट ईयर का एक्चुअली एक आर्टिकल था कि पिछले साल भी इसके बारे में थोड़ा इशू था। कंटेक्स्ट आपको रिवाइज करवा रहा हूँ एक बार कि पिछले साल जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने कुछ गाइडलाइन जारी की थी मई 2017 में। गाइडलाइन में कुछ इस प्रकार जारी की गई थी कि भाई जो भी एनिमल्स वगैरह हैं उनका अगर ट्रेड वगैरह किया जाता है तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगाई थी, तो उनको एक्चुअली यहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया था कुछ टाइम में। हमने काफ़ी सारे आर्टिकल्स पढ़े भी थे उस टाइम पे। तो अभी जो गाइडलाइंस जो कि सही नहीं थी, जो कि लोगों की डिमांड थी उनके अकॉर्डिंग फुलफिल नहीं करी थी, तो उन गाइडलाइंस को सुप्रीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने वापस से ले लिया। मतलब जो विवादित गाइडलाइंस थी उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने वापस ले लिया। तो इसके बारे में हम सारा कंटेक्स्ट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं। ये तो देख लिया हमने बैकग्राउंड, अब हम चलते हैं मेन आर्टिकल की तरफ। देखो जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी ऑफ टू एनिमल एक्ट 1960 है, इसके तहत काफ़ी सारी गाइडलाइंस है वो जारी की गई थी लास्ट ईयर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। एक तो उसमें देखो काफ़ी अच्छे पॉइंट्स ये भी आया था कि जब भी एनिमल वगैरह का ट्रांसपोर्ट किया जाता है ना तो उनको प्रॉपर ढंग से ट्रांसपोर्ट किया जाए, ऐसा नहीं है कि उनको इधर उधर पटक पटक के ट्रांसपोर्ट किया जाए। क्योंकि हमने काफ़ी बार देखा है कि जानवरों को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, तो उनकी काफ़ी बार जानें चली जाती हैं। जैसे कि 10 जानवरों को भेजा जा रहा है तो 5 मर जाते हैं, इससे काफ़ी सारे इशूज़ होते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर ढंग से वेंटिलेशन वगैरह का इशू है वो रहता है। इसके साथ ही एक गाइडलाइन ये जारी की गई थी कि भाई अगर कहीं भी किसी भी एनिमल वगैरह को अगर खरीदा है बेचा जा रहा है तो उसके लिए एक्चुअली से आपको आइडेंटिटी प्रूफ वो दिखाना होगा। और कहीं भी पशु मेले में आप जा रहे हो तो वहाँ पे अगर आप पशु खरीद रहे हो या बेच रहे हो तो उस कंडीशन में आपको आइडेंटिटी प्रूफ के साथ जाना होगा, और वहाँ पे मतलब रिस्ट्रिक्शन है वो हो गई थी, तो इससे काफ़ी कुछ दिक्कत आ रही थी। और ये भी बैन कर दिया गया था कि भाई जो भी अगर आप पशु मेले वगैरह में खरीद रहे हो उनका वध वगैरह वो नहीं कर सकते, मतलब उनका मीट या मांस के लिए उनका उन पशुओं का यूज़ है वो नहीं कर सकते। तो ये जो गाइडलाइन है ना कि पशुओं का मीट और मांस के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते पशु मेले के द्वारा जो पशु लेते हैं उनका, इस गाइडलाइन का काफी विरोध किया गया था। और इसका जो इश्यू है वो गया था मेनली तमिलनाडु का जो हाई कोर्ट है, महाराष्ट्र मद्रास को हाई कोर्ट, उसमें गया था सारा केस कि भाई मेले के अंदर जो भी जानवर वगैरह जा रहे हैं उनका आप ट्रेड वगैरह उसको आप ही रेगुलेट है वो कर रहे हो। तो ये सारा कंटेक्स्ट था। अब देखो राइटर के जो ये बता रहे हैं कि देखो इससे इश्यूज क्या था, इससे एक सबसे बड़ा इशू वो एक तो ये ऐसा सामने कि भाई राइट टू चॉइस का, क्योंकि राइट टू चॉइस की बात रहती है कि लोगों की अपनी मर्जी है कि लोग क्या खाएं या क्या ना खाएं, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती कि अभी आपको वेज खाना है, आपको नॉन वेज खाना है, ये खाना है, वो नहीं खाना। तो ये कहने की राइट टू चॉइस और फूड की बात आती है उसके खिलाफ है, एक तो इशू आता है सामने ये, आप इसको पॉइंट डाउन के तौर पे नोट कर सकते हो। इसके बाद दूसरा इशू था वो था कि सेंट्रल का हस्तक्षेप। देखो पशु मेले वगैरह आयोजित किए जाते हैं आपको पता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो इनको पशु वगैरह को रेगुलेट जो भी करने का काम होता है वो होता है स्टेट का। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी एक तरीके से एडवाइस वगैरह दे सकती है बट बाध्य नहीं कर सकती कि भैया आपको इस तरीके से इनको अप्लाई करना है, क्योंकि जो अप्लाई करने का काम है लैंड ऑर्डर वगैरह सारा वो काम है स्टेट का, जबकि यहाँ पे सेंट्रल वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक डिक्टेटरशिप के तौर पर सामने प्रेजेंट कर रहा था, तो वो बात कहीं ना कहीं सही नहीं है। मतलब सेंट्रल वो अपनी मनमर्जी को बढ़ा रहा था, तो इसलिए एक पॉइंट आता है ये। तीसरा पॉइंट आता होता है ट्रेड का। ट्रेड की बात देखो ऐसे आती है, आपको बता दूं कि जब भी एनिमल वगैरह को मतलब एक तरीके से वध वगैरह कहते हैं तो उनका मैक्सिमली ट्रांसपोर्टेशन है वो होता है मीट प्रोडक्शन के लिए, मतलब उनको उनका जो मीट है वो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट किया जाता है। तो अगर ऐसे माहौल में जब जानवरों की एक दो क्रुएल्टी एक्ट जो लगा दिया, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट है, इसमें ये प्रावधान कर दिया कि भाई आप जानवर को नहीं मार सकते, तो इसका मतलब तो साफ साफ ही हुआ कि आप मीट वगैरह का प्रोडक्शन नहीं कर रहे। तो अगर आप मीट वगैरह का प्रोडक्शन नहीं करें तो ऑलरेडी इकोनॉमी का लॉस हो जाएगा। तो स्टेट के अंदर जो भी ऐसे बिजनेस ग्रुप थे जो कि मेनली मीट प्रोडक्शन वगैरह करते थे, मीट एक्सपोर्ट करते थे, उनको काफ़ी लॉस हुआ और हमारे देश में ट्रेड को भी काफ़ी ज़्यादा हताहत है वो देखनी पड़ी। इसके बाद में बात आती है पुअर जो लोग थे या जो गरीब लोग थे उनकी हालत की। देखो गरीब लोगों की बात ऐसी है कि हमारी सोसाइटी में जो रूरल एरिया होता है, रूरल एरिया में मैक्सिमली जो गरीब लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पशुओं को बेच के या उनको लालन पालन करके ही वो उनको अपनी आजीविका वो चलाते हैं। जबकि अभी आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइन कर दी थी जारी, उसमें ये प्रावधान कर दिया था कि भैया आपको पशु वगैरह बेचने हैं तो आपको या तो जो आदमी पशुओं का वध कर रहा है उसको आपको पशु वगैरह नहीं बेच सकते। तो मतलब सीधी सी बात क्या हुई कि पशुओं को लोग है वो कम खरीदेंगे क्योंकि मैक्सिमली पशु तो मीट प्रोडक्शन के लिए खरीदे जाते थे। तो ऐसे माहौल में क्या हो गया कि गरीब लोग वो बेचारे पशु वगैरह वो उचित रेट पर नहीं बेच पा रहे थे क्योंकि कंपटीशन ही नहीं था। पहले तो कंपटीशन रहता था तो कंपटीशन ही पिट गया, तो इसकी वजह से गरीब लोगों को और ज़्यादा नुकसान होने लग गया था। तो ये इसमें चार पॉइंट आए थे या चार इशूज़ हैं वो यहाँ सामने आर्टिकल में दिए गए हैं।
अब देखो कंटेक्स्ट, मैंने आपको बताया था कि जो भी विवादित गाइडलाइन थी उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने वापस ले लिया है। इसमें एक अच्छी गाइडलाइन ये भी है जो कि जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने वापस ले लिया, पहले ही प्रावधान किया गया था गाइडलाइन के तहत कि भाई अगर जैसे दो भी स्टेट है, जैसे एक स्टेट और दोनों सॉरी दो स्टेटों के बीच का जो बॉर्डर वाला एरिया ना, उस बॉर्डर के नियर बाई 25 किलोमीटर के एरिया में कोई पशु मेला नहीं लगेगा, ताकि तस्करी वगैरह का कोई भी इशूज वगैरह ना हो। बट अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस गाइडलाइन को वापस ले लिया क्योंकि इसका काफी क्रिटिसाइज वो किया गया था। एक ये प्रावधान किया गया था कि जो 50 जो मतलब नेशनल बाउंड्री है हमारे देश की, जैसे कि पाकिस्तान के बाउंड्री वाला एरिया हुआ या फिर वेस्ट बंगाल वाले एरिया में, तो उन वाले एरिया में 50 किलोमीटर की लिमिट और की गई थी कि भाई बाउंड्री के 50 किलोमीटर के एरिया में कोई भी पशु मेला आयोजित हो ना किया जाते। तो ऐसी जो विवादित गाइडलाइन थी उनको सेंट्रल ने वापस ले लिया है। तो राइटर का ऐसा कहना है कि देखो जनता के मन में और जनता जो भी समुदाय है हमारे देश में उसके मन में एक्चुअली गवर्नमेंट के प्रति विश्वास होना चाहिए, और गवर्नमेंट को इसका जो जनता का विश्वास है उसे तोड़ना नहीं चाहिए, उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो करना चाहिए। और लोगों के मन में कहीं ऐसा ऐसी भावना नहीं जानी चाहिए कि यार हमारे देश की गवर्नमेंट है वो तो एक ही पक्ष को सपोर्ट कर रही है, हमें क्रिटिसाइज कर रही है, हमारा सपोर्ट नहीं करी। तो अगर क्योंकि ऐसी भावना अगर चली गई तो हमारे देश की यूनिटी है वो खतरे में पड़ सकती है। तो हमें फोकस करना चाहिए कि सेंट्रल जो हमारे देश की गवर्नमेंट है, हमारे देश की गवर्नमेंट को ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि किसी को भी ऐसा फील ना हो कि यार उसको एक तरीके से यहाँ पे दबाया जा रहा है, उसको सप्रेस किया जा रहा है। सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी, अब सभी को इक्वल मौके वो देने चाहिए। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल, इसको आप यहाँ पे कुछ अच्छे पॉइंट से उनको नोट डाउन है वो कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये जो राइट यहाँ पे इस आर्टिकल को जो लिख रहे हैं वो है एक्चुअली केरला के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं वो दिए गए। काफी अच्छा आर्टिकल है फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में। इस आर्टिकल में देखो मेनली डिस्कस किया गया, आपको बता दूं कि जो 15 फाइनेंस कमीशन है ना, 15वां फाइनेंस कमीशन जो कि 2020 के बाद लागू होगा, उसकी बात यहाँ पे डिस्कस की गई है कि भाई ये जो केरला के मुख्यमंत्री हैं इनका ऐसा कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, 15वें फाइनेंस कमीशन को ऐसी रिकमेंडेशन देने की बात करी है कि भाई आप कहीं ना कहीं ऐसा प्रावधान करो ताकि स्टेट की लिमिट हो, स्टेट की पावर कम हो जाए। तो इस चीज़ को यहाँ पे राइटर हैं जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना वो फाइनेंस कमीशन का मिसयूज कर रही है, वो बात अच्छी नहीं है। तो हम उन सारे पॉइंट्स को अब यहाँ पे देखेंगे कि सारा सीन है क्या। सबसे पहले बात आती है यहाँ पे आर्टिकल फर्स्ट की। देखो आर्टिकल फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है कि हमारा देश है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, जो पावर है वो क्या होती है सेंट्रल से स्टेट की तरफ डिवाइड करती है, मतलब पहले सेंट्रल होता है उसके बाद धीरे धीरे स्टेट की तरफ जो पावर है वैसे से डिवाइड होती रहती है, सीक्वेंस रहती है, मतलब ऊपरी ऊपर क्या है सेंटर है, ये सीक्वेंस है। इसके बाद में बात आती है 7th शेड्यूल की, 7वीं जो अनुसूची उसमें क्या प्रावधान है, उसमें संघ सूची है, यूनियन जो यूनियन सूची सेंट्रल सूची है, इसके बाद में कॉन्करेंट लिस्ट वगैरह, मतलब सेंट्रल और स्टेट के बीच में डिवाइड किया गया कि भाई कौन सा काम तो सेंट्रल का है, कौन सा काम स्टेट लिस्ट का है, और कौन सा काम है जो दोनों पे कानून हुकुम वगैरह बना सकते हैं। तो ये सारे प्रावधान किए गए। अब मैं बात आती है फाइनेंस कमीशन की कि भाई फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है। देखो फाइनेंस कमीशन का काम होता है वो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में एक तरीके से लिंक प्रोवाइड करना, सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट के बीच में लिंक प्रोवाइड करता है। कैसे, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी पैसा आ रहा है उस पैसे को डिवाइड कैसे करना है, कि स्टेट को कितना कितना पैसा देना है, वो सारे काम किया जाता है फाइनेंस कमीशन के द्वारा। तो एक तरीके से वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वर्टिकल का मतलब ऐसे जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो करता है फाइनेंस कमीशन का काम होता है ये। इसके बाद बात आती है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि चलो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये तो बता दिया कि भाई वर्टिकल हर स्टेट को इतना पैसा देना है फाइनेंस कमीशन के थ्रू। इसके बाद में हॉरिजॉन्टल का मतलब ये है यहाँ पे कि भाई अब हर स्टेट को तो बताना पड़ेगा ना कि भाई इस स्टेट का जैसे यूपी का इतना है, हरियाणा का इतना है, राजस्थान को इतना देना है, वो भी तो डिवाइड करना होगा। क्योंकि देखो जो हमारा देश का 14वां फाइनेंस कमीशन था उसमें यह प्रावधान किया गया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जितना भी पैसा है ना उसका 42% जो पैसा ना वो एक्चुअली स्टेट को डिवाइड, मतलब स्टेट को दिया जाएगा। मतलब बात यह कि पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो स्टेट को 32% पैसा देती थी, बट अभी जो प्रावधान ये कर दिया गया था कि भाई आप पैसा थोड़ा बढ़ाओ स्टेट के पास पैसा ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो स्टेट काफी सारी स्कीम चलाते हैं, वेलफेयर स्कीम भी होते हैं और सारी बहुत से लॉ एंड ऑर्डर का काम भी उनके थ्रू होते हैं। तो मेन मेन काम जो मतलब काफी खर्चे वाले काम है वो स्टेट को ही करने होते हैं। इसलिए रिकमेंडेशन दी थी फाइनेंस कमीशन ने कि भाई आप स्टेट का जो हिस्सा है ना वो 32 से 42% करो, और इस बात को सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान लिया था। तो कुल मिला के बात थी ऐसी, तो मतलब स्टेट का जो रिप्रेजेंटेशन था वो यहाँ पे बढ़ गया था। हॉरिजॉन्टल की बात जैसे मैंने भी आपको बताया कि ये तो प्रावधान कर दिया कि जो 42% पैसा है वो देना है स्टेट को डिवाइड करना है, बट अब ये तो डिसाइड करना होगा ना कि कौन से स्टेट को कितना देना है में से भी। तो वो काम हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब जो 29 स्टेट हो गए, यूनियन टेरिटरीज होगी, बाकी उन सब में पैसा डिवाइड किस तरीके से करना है। इसके बाद में देखो अगली बात आती है, वो आती है डेमोग्राफिक डिविडेंड का। यहाँ पे एक इश्यू आ रहा था, देखो
केरल के मुख्यमंत्री का ऐसा कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, फाइनेंस कमीशन के थ्रू हमें कहीं ना कहीं एक तरीके से जो स्टेट की लिमिट है ना, स्टेट का जो एरिया है उसको कहीं ना कहीं और ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर रही है, मतलब स्टेट की पावर है उसको कम करना चाह रही है। देखो बात ऐसी है कि साउथ इंडिया के में मैक्सिमली क्या है कि वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो भी थोड़ी स्थिर हो चुकी है कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया की तरफ में, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में यूपी हुआ, बिहार हुआ, ऐसे जो स्टेट है यहाँ पे पॉपुलेशन है वो अभी भी काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। मतलब जो डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो डेमोग्राफी है वो एक्चुअली यहाँ की काफ़ी ज़्यादा है देखा जाए तो, और साउथ के कंपेरिजन में। तो अभी देखो फाइनेंस कमीशन ने ये कहा था, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसी बात की थी फाइनेंस कमीशन को कि भाई जो हम पैसा देंगे ना, जो स्टेट को पैसा दिया जाएगा वो दिया जाएगा एक्चुअली 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि कितना पैसा कौन कौन से स्टेट को देना है, जितनी पॉपुलेशन है उसके आधार पर। तो इनका कहना है मुख्यमंत्री साहब का कि भाई देखो नॉर्थ के स्टेट है वो तो आज भी पॉपुलेशन बढ़ाने में लगे हुए हैं, तो अगर ऐसा, अगर आप इस तरीके का सेंसस को काउंट करोगे 2011 के, तो इसका मतलब साफ साफ ये होगा कि जहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन है उनको ज्यादा पैसा मिलेगा। जबकि उनका ऐसा कहना है मुख्यमंत्री साहब का केरल के कि भाई देखो हमने तो काफी अच्छे स्टेप उठाए, हमने तो पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, तो हमें भी तो बोनस मिलना चाहिए ना, मतलब हमें तो अच्छा काम किया, आप तो उल्टा कर रहे हो। उनका ऐसा कहना है कि देखो हमने देख तो पॉपुलेशन कम की है और इसके साथ ही हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है, इसके बाद आप हमें तो इंटेंसिव दे नहीं रहे हो, जबकि आप जो बाकी स्टेट है जहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है लगातार, डेमोग्राफी बढ़ रही है, उन वाले स्टेट को आप इंक्रीज कर रहे हो, तो इसका मतलब साफ साफ ही होगा कि आप पॉपुलेशन को इंक्रीज करने को प्रमोट कर रहे हो एक तरीके से, तो जो कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो ये इनके द्वारा ये तरीका वो दिया जाता है। उनका ऐसा कहना है कि भाई 2011 के सेंसस को आप मैं देखो, आप उन डाटाज को देखो कि कितनी कितनी उनको नीड है और किस तरीके से जो भी और पैरामीटर हैं उनको आप फोकस कीजिए। इसके बाद में बात ये आती है कि जो फाइनेंस कमीशन है उसके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने एजेंडा को प्रमोट करने की बात आ रही है। मतलब फाइनेंस कमीशन को क्या करिए, सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरीके के सुझाव दे रही है कि भी आप ऐसे ऐसे काम करो, सेंट्रल जो स्टेट है उसके अंदर जाके देखिए कि वहाँ की पॉलिसी कैसी है, पॉलिसी वगैरह को आप बताइए कि वो पॉलिसी सही है नहीं है। तो राइटर का जो है मुख्यमंत्री साहब हैं, इनका ऐसा कहना है कि देखो ये काम फाइनेंस कमीशन का नहीं है कि कौन सी पॉलिसी सही है कौन सी पॉलिसी नहीं है, स्टेट जो पॉलिसी बना रहा है वो अपने अकॉर्डिंग बनाता है, तो इसमें फाइनेंस कमीशन को कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट को इस तरीके के काम हो करना चाहिए। क्योंकि हम बता दूं कि फाइनेंस कमीशन, वो आपको बताया कि ऑटोनोमस बॉडी है हमारे देश की, तो वो उससे स्वतंत्र रूप से काम हो करना चाहिए, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी हस्तक्षेप वगैरह नहीं करना चाहिए। इसके बाद में बात आते हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की। देखो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का इशू ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह कहा है फाइनेंस कमीशन को कि भाई आप रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है उसको देखिए कौन से स्टेट को ज्यादा खर्चा करा है, उसके अकॉर्डिंग हम उस पर लिमिट वगैरह लगाएं। तो इस बात पर राइटर है, इनका ऐसा कहना है कि देखो खर्चा करना स्टेट का काम है और स्टेट को काफी सारे स्कीम भी लेके आने आती है और स्टेट को वेलफेयर के काम भी करने होते हैं, तो ऑब्वियसली उनका खर्चा बढ़ता है। तो ऐसे माहौल में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट नहीं देगी तो उसका मतलब साफ साफ क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट है स्टेट को सपोर्ट ही नहीं करी है। अब देखो हमारे देश में क्या कि भी हालत इतनी अच्छी नहीं है सभी स्टेट की कि वो अपने आप अपने अपने जो इनकम के सोर्स है उन पर जिंदा रह सके, उनके आधार पर वो सारी स्कीम वगैरह चला सकें। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है उसको रोकना नहीं चाहिए, इस रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है इसको आगे कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि जो स्टेट अगर पैसा खर्च कर रहा है तो ऑब्वियसली वो समाज की भलाई के लिए कर रहा है। तो एक तरीके से अगर आप इस पर लिमिट लगा दोगे तो इसका मतलब ये होगा कि स्टेट वो पैसा खर्च ना करे, अगर स्टेट पैसा खर्च नहीं करेगा तो जो वेलफेयर की स्कीम हो कैसे चलेंगी। तो ये भी कहीं ना कहीं इनके द्वारा क्रिटिसाइज वो किया जा रहा है। इसके बाद में बात आती है, वो आती है, वो अगला पॉइंट आता है, वो आता है कमिटेड एक्सपेंडिचर के बारे में कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कमिटेड एक्सपेंडिचर के थ्रू भी कहीं ना कहीं कुछ स्टेप उठाने की बात करी है। मतलब क्या है कि वो कहीं ना कहीं जो फाइनेंस कमीशन है इसको रेगुलेट कर रही है, इसको कहीं ना कहीं काउंटर करने की कोशिश कर रही है, इसको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करिए कि भाई, मतलब एक बात सीधी सी कही गई है कि फाइनेंस कमीशन को सेंट्रल गवर्नमेंट है ना वो अपने मुट्ठी में रखना चाहती है, जबकि एक ऑटोनोमस बॉडी है, तो इसलिए फाइनेंस कमीशन को इस तरीके के हस्तक्षेप करने के लिए अपना विरोध भी करना चाहिए कि भाई स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें कोई भी हस्तक्षेप वगैरह ना करे। इसके बाद बात ये आती है कि एक और है परफॉर्मेंस बेस्ड इंडेक्स की बात है कि भाई जो स्टेट जितना परफॉर्म कर रहा है ना आप उसके आधार पे उसको जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दीजिए, क्योंकि फाइनेंशियल कमीशन का काम क्या है कि ये डिसाइड करना कि भाई कौन से स्टेट को कितना पैसा चाहिए, क्या क्या उसकी डिमांड है, सारा उसके अकॉर्डिंग डिसाइड है वो काम किया जाता है। तो परफॉर्मेंस हमें देखनी चाहिए, इसके आधार पर हमें सारा काम वो करना चाहिए। और फाइनेंशियल कमीशन कोई टूल नहीं है, फाइनेंशियल कमीशन तो एक कमीशन बनाया गया जो कि हमारे देश के संविधान में प्रावधान किया गया है। तो पॉलिसी अच्छी हो या बुरी हो वो काम फाइनेंशियल कमीशन का नहीं है, वो काम स्टेट का है, तो स्टेट खुद रिव्यू करेगा, स्टेट की जनता है वो रिव्यू करेगी कि पॉलिसी सही है या नहीं है। तो इसमें फाइनेंशियल कमीशन को कोई भी हस्तक्षेप वो नहीं करना चाहिए। देखो यहाँ पे राइटर का मैन मैन ये कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है ना फाइनेंशियल कमीशन के थ्रू एक्चुअली स्टेट को रेगुलेट है, स्टेट के ऊपर बाध्य या कोई भी ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश कर रही है, उसकी वजह से स्टेट की पावर है वो खतरे में जा रही है। क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि हमारे देश के जो काफी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण इश्यूज हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं, तो ऐसे माहौल में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के ऊपर और ज्यादा लिमिट बढ़ा देगी तो इसका मतलब साफ ही होगा कि स्टेट अपनी मनमर्जी सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी कर रही है, स्टेट को भी तो ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए ना ताकि वो अपने स्वतंत्र रूप से काम हो कर सकें।
क्योंकि देखो केरल जो है स्टेट है उसने काफी सारा पैसा इन्वेस्ट किया है, और वहाँ पे जो फिजिकल डेफिसिट है वो एक्चुअली भी थोड़ा ज्यादा भी है, इसलिए ज्यादा है कि उन्होंने खर्चा काफी अच्छा किया, जबकि वहाँ का जो देखा जाए तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वो भी बहुत अच्छा है। तो ऑल ओवर केरला की जो सिचुएशन है वो हमारे इंडिया में काफी अच्छी है, तो इसलिए खर्चे वगैरह तो देखो इस टाइम पे बढ़ नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को खर्चे वगैरह पे लिमिट है वो नहीं लगानी चाहिए फिलहाल। हाँ कंट्रोल करना एक अलग बात है, बट लिमिट लगाना गलत है कि भाई आप एक तरीके से ऐसे लिमिट लगा दो कि नहीं भी हम पैसा नहीं देंगे, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्रिटिसाइज है की जा रहे हैं। इसके बाद में देखो एक आरोप भी भाई ये लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा क्यों नहीं है, क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि देखो 14वां जो फाइनेंस कमीशन था ना इसमें यह प्रावधान किया गया था कि भाई स्टेट को पैसा दिया जाएगा 42%। तो मतलब क्या हुआ कि स्टेट जो सेंट्रल अपना जो पैसा है वो 42% तो दे देगा स्टेट को, तो उसके बाद पैसा बचेगा कम, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत सी स्कीम चलानी होती है, डिफेंस सेक्टर और भी सारे सेक्टर को रेगुलेट वो करना होता है। तो इस चीज़ को लेकर राइटर हैं जो केरल के मुख्यमंत्री हैं उनका ऐसा कहना है कि देखो भाई स्टेट के पास सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। क्यों पैसे की कमी नहीं है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट 14वें फाइनेंस कमीशन से पहले बहुत सी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम वो चलाती थी, जबकि अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन स्कीम को बंद कर दिया, तो मतलब वो स्कीम बंद हो गए तो उनका पैसा ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही तो रह रहा है ना। तो इसलिए आप ऐसा तक मत दो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बहुत सा पैसा है और उसके बाद और भी बहुत से रिसोर्सेज होते हैं पैसा कलेक्ट करने का, तो ये लॉजिकल उनके अकॉर्डिंग दिया जाता है। इसके बाद में देखो ये बात की जाती है कि लास्ट में पॉइंट दिया जाता है कंक्लूजन की तरफ कि देखो भाई हर स्टेट है ना वो उसको अलग अलग मॉडल अडॉप्ट करना होगा, क्योंकि हर स्टेट की अलग अलग डिमांड है। यूपी स्टेट की उसकी अलग डिमांड है, हरियाणा की अलग डिमांड है, राजस्थान की अलग डिमांड है, एमपी की अलग डिमांड है, वहाँ पर जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग उनको पॉलिसी वगैरह बनानी होगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को उसके अकॉर्डिंग ही सोचना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग उनको जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन वो करना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो अपनी मनमर्जी करें और ऐसा लगाते कि नहीं भाई ये यही पॉलिसी आपको अप्लाई करनी होगी, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग में पॉलिसी पे काम है वो करना चाहिए। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल, इसमें काफी अच्छे पॉइंट्स हैं, आप इन पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हो, काफी अच्छा आर्टिकल है, एक बार आप इसको दोबारा भी रिवाइज वगैरह कर सकते हो। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, तो इस आर्टिकल में जो बेसिक पॉइंट है उनको भी हम देख लेते हैं। इस आर्टिकल में देखो मेनली ये कहा गया है एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, एक सेकंड, हाँ इसमें यह बताया गया है कि देखो एलपीजी रिफॉर्म आए थे हमारे देश में 1990 के बाद, 1992 के टाइम पे। तो राइटर का कहना है कि देखो जब 1992 में एलपीजी रिफॉर्म आए थे ना उन एलपीजी रिफॉर्म की वजह से हमारे देश को काफी नुकसान हुआ, वो भी कौन से को एग्रीकल्चर सेक्टर को, मेनली नुकसान यहाँ पे फोकस किया जा रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर की, ना कि यहाँ पे सर्विस सेक्टर जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उसकी बात नहीं की जा रही, यहाँ पे भी बात की जा रही है एग्रीकल्चर सेक्टर की। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में एलपीजी रिफॉर्म की वजह से नुकसान क्या हुआ है, तो राइटर का देखो ऐसा करना है एलपीजी रिफॉर्म के बाद यह प्रावधान किया गया कि भाई अब गवर्नमेंट है वो एक्चुअली लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर से मूव करेगी बाकी और सेक्टर की तरफ, मतलब सर्विस सेक्टर हुआ या बाकी और भी जो सेक्टर से उधर उधर लोगों को मूव है वो करेगी। बट राइटर का ऐसा कहना है कि देखो हमारे देश की पॉपुलेशन को ये तो है नहीं कि 100-150 लोग रहते हैं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो इतनी बड़ी मात्रा में गवर्नमेंट है वो एक तो जॉब क्रिएट है वो नहीं कर सकती, दूसरी बात यह आती है कि हमारे देश के पास एक्चुअली लैंड की भी कमी है। कमी का मतलब यहाँ पे है कि देखो डेमोग्राफी बहुत, मतलब लोगों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और जमीन की काफी मारामारी है, तो ऐसे माहौल में लोगों के पास खेत क्या काफी छोटे छोटे हैं, तो छोटे छोटे खेत तो उसकी वजह से उनका आउटपुट इतना अच्छा नहीं आ रहा है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ध्यान भी नहीं दे रही है। ध्यान क्यों नहीं दे रही है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट तो ये चाहती है हमारे देश की गवर्नमेंट कि भाई लोगों को मूव किया जाए एग्रीकल्चर से दूसरे सेक्टर की तरफ, जबकि राइटर का कहना है कि देखो एक तो लोगों के पास स्किल नहीं है काफी, एक तो सबसे बड़ा इश्यू है वो लोग पढ़े लिखे नहीं आते, तो आधों के पास स्किल नहीं है, तो ऐसे माहौल में आप उनको जॉब कहाँ से दोगे प्राइवेट सेक्टर में या और भी सेक्टर में, क्योंकि ये एक सबसे बड़ा इश्यू आता है। इसके बाद में एक पॉइंट यहाँ पे आ रहा है कि जो गवर्नमेंट की सोच और नीति है ना वो भी कहीं ना कहीं खराब है। खराब क्यों है, क्योंकि वो खराब इसलिए कि देखो गवर्नमेंट अगर कह रही है कि वो सर्विस सेक्टर की तरफ फोकस करेगी, सर्विस सेक्टर में लोगों को रोजगार देगी, तो आपको पता है कि सर्विस सेक्टर के लिए लाइट भी चाहिए, काफ़ी बड़ी मात्रा में लोन वगैरह भी होता है, पानी वगैरह, इन सब चीज़ों की जरूरत होती है। बट ऐसा नहीं कर सक रही गवर्नमेंट, क्यों नहीं कर सकती, गवर्नमेंट किसानों को तो कुछ प्रोवाइड करवा रही है, गवर्नमेंट किसानों को ना तो बिजली दे रही है, ना ही किसानों को लोन प्रोवाइड करवाती है ढंग से, ना ही पानी की समस्या का हल करती है। आप देख सकते हो किस तरीके से, जैसे IPL का एग्जाम्पल ले लो, IPL के लिए तो पानी में एक तरीके से कितना पानी वेस्ट किया जाता है पार्क वगैरह के लिए TC, जबकि देखा जाए तो एग्रीकल्चर के लिए गवर्नमेंट के पास ना तो लाइट है, ना ही लोन देने के लिए पैसा है, और ना ही मीडिया वो कुछ इंटेंशन करती है। मतलब देख सकते हो कि मीडिया भी बहुत कम रोल निभाती है कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर को फोकस किया जाए। तो राइटर का ऐसा कहना है कि एलपीजी रिफॉर्म के बाद हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस किया नहीं किया गया, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत गलत बात है। इसके बाद में एक बात यह आती है कि देखो एग्रीकल्चर सेक्टर वो हमारे देश में लगभग 50-60% जॉब है वो क्रिएट करता है, उसके बाद भी अगर गवर्नमेंट इस पर फोकस नहीं करें तो उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है, एक तो लोग हैं वो शहरों की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं। अब आपको पता है कि लोग शहरों की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं तो उसका नुकसान एक ही
हो रहा है कि शहरों में एक तो ऑलरेडी सैनिटेशन की प्रॉब्लम हो जाता है, शहरों में ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट ढंग का नहीं है, ऑलरेडी वहाँ पे जॉब है उनकी दिक्कत आ रही है। तो ऐसे माहौल में अगर रूरल एरिया के जो 50% लोग हैं वो अगर वो शहरों की तरफ मूव करेंगे तो उनकी फूड सिक्योरिटी भी खतरे में आ जाएगी। इसके साथ ही सैनिटेशन का इश्यू है, ना ही वहाँ पे जो शहर है उनको शहर है वो एक्चुअली उन लोगों को मैनेज कर पाएंगे। तो ऑल ओवर बात ये है, राइटर का ऐसा कहना है यहाँ पे बाद में कि भाई जो गवर्नमेंट है ना इसको एक्चुअली एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस करना चाहिए क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन कोई कम नहीं है ताकि आप उसको एक तरीके से आराम से इधर से उधर मूव कर सको। पहले गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर सेक्टर में बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, इसके बाद बाकी सेक्टर पे धीरे धीरे फोकस आउट करना चाहिए। गवर्नमेंट को ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए कि हम एक साथ ही इधर सर्विस सेक्टर पर मूव कर लेंगे तो हमारा काफ़ी बेनिफिट है वो हो जाएगा। देखो बात ये आती है फूड सिक्योरिटी का इशू ये आ जाएगा कि अगर सारे लोग हैं गाँव से शहरों की तरफ माइग्रेट हो जाएंगे तो उस कंडीशन में वहाँ पर लैंड मैं खेती कौन करेगा और ना ही गवर्नमेंट उनको पानी वगैरह की फैसिलिटी वो पड़ गए तो मतलब क्या हो जाएगा कि खेती बहुत कम हो जाएगी, लैंड एरिया वो ऐसे ही खाली भी पड़ा रहेगा। तो उस वाले माहौल में फूड सिक्योरिटी का इश्यू हो सकता है और आज के टाइम पे आपको पता है कि इस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो ऐसे एनर्जी की भी काफ़ी दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे माहौल में गवर्नमेंट को सजग रहना चाहिए और गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी फोकस आउट करना चाहिए क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे देश का कोई छोटा मोटा सेक्टर नहीं है, ये काफ़ी लोगों को रोजगार दे रहा है और रोजगार काफ़ी अहम हो जाता है, इसलिए लोगों को जॉब की भी जरूरत होती है। इसलिए गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर सेक्टर पर फोकस करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, अदरवाइज बहुत बड़े इश्यूज हैं वो आ सकते हैं। क्योंकि देखो अगर गवर्नमेंट ऐसा चाह रही है कि नहीं भैया तो वो तो इंडस्ट्री के थ्रू ही काम कर लेंगे तो आपको पता है कि इंडस्ट्री लगाने के लिए लाइट चाहिए कि काफी बड़ी मात्रा में। देखो एनर्जी तो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होता है, अब अगर एनर्जी के लिए तो आपको पता है या तो कोयला चाहिए या फिर और भी जो यूरेनियम वगैरह दूसरे फ्यूल वगैरह चाहिए। अब इंडिया के पास ना तो अच्छी क्वालिटी का कोयला है और ना ही यूरेनियम वगैरह हुआ है, तो इंडिया यूरेनियम भी बाहर से इंपोर्ट करता है, रही बात डीजल पेट्रोल की वो भी इंडिया बाहर से इंपोर्ट करता है। तो ऐसे माहौल में अगर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है और वो इंडिया गवर्नमेंट वो बाहर से इंपोर्ट करे तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट वो भी बढ़ सकता है। तो गवर्नमेंट को हर तरफ फोकस करते हुए एक बैलेंस अप्रोच वो लेकर चलनी है और एग्रीकल्चर सेक्टर को इस तरीके से दरकिनार नहीं करना चाहिए। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल, काफी अच्छे से आर्टिकल में पॉइंट है वो दिए गए हैं। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही, एक आर्टिकल रह गया ट्रांसजेंडर के बारे में, उस आर्टिकल को हम कल के वीडियो में वो डिस्कस करेंगे।